हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी छात्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आईटीआई छात्रों कमेंट्स देखने के बाद ही मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आप आईटीआई छात्र काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उनका ना तो अप्रेंटिस का फॉर्म भर पा रहे हैं ना ही किसी गवर्नमेंटेड जॉब का फॉर्म भर पा रहे हैं। तो वे छात्र काफ़ी परेशान है, क्योंकि आईटीआई का रिजल्ट उनका अभी नहीं आया हुआ है, उनका आईटीआई क्लियर अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आईटीआई का बैक परीक्षा दिए हैं, चाहे सेमेस्टर के हों या एनुअल के हों या ईडी और प्रैक्टिकल का एग्जाम दिए हैं, तो फाइनली आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप सभी को वीडियो ऊपर बने रहना है, वीडियो ऊपर कंप्लीट देखना तभी आप लोग को मालूम हो पाएगा। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबा के आप सेट कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देखिए डिजिटी का यही NCVTMIS का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर फाइनली आप लोगों का नोटिस आ चुका है। तो देखिए आप लोगों का जितने भी छात्रों का ईडी और प्रैक्टिकल का बैक एग्जाम हुआ है 6 फरवरी 2023 को, यहाँ पर आप लोग फाइनली देख पा रहे हैं। तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि 8 मार्च को आप सभी छात्रों का रिजल्ट आना है ईडी और प्रैक्टिकल का। तो आप लोगों का मार्च महीने में ही होली का त्यौहार पड़ जाने के कारण आप लोगों का जितने भी सरकारी काम होता है वो आप लोगों का बंद रहता है। तो आप लोगों का हो सकता है कि जो आपका 8 मार्च का डेट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो एग्ज़ाम के समय आपका नोटिस आया था उसमें आप लोगों का बताया गया है कि आपका रिजल्ट जो है 8 मार्च 2023 को टेंटेटिव डेट बताया गया है। ठीक है, तो आप लोगों का टेंटेटिव डेट यानी एक अनुमान लगाकर आप लोगों का बताया गया है कि 8 मार्च को आपका जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों का होली का त्यौहार है, बीच में संडे भी आप लोगों का है, जिसकी वजह से आप लोगों का सरकारी काम नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से आप लोगों के रिजल्ट में भी देरी देखने को मिलेगी। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा, हो सकता है आप लोगों का 10 या 12 तक आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आता है मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, कैसे आपको चेक करना है आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो थोड़ा वेट कीजिएगा, बाकी आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।